नमस्कार दोस्तों, एनिमल केयर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं नरेश जोगियोड़ा। आज मैं बात करूंगा पशुओं के अंदर थनेला बीमारी, जिसे मैस्टाइटिस बोलते हैं और आम भाषा में जिसे हम ओगी बोलते हैं, उसके बारे में मैं उसके घरेलू उपचार व उसके लक्षणों के बारे में चर्चा करूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उसके जो थनेला बीमारी होती है, जिसे हम आम भाषा में ओग्यू बोलते हैं, उसके लक्षण के बारे में चर्चा करूंगा। उसके लक्षण जैसे थनों के ऊपर क्या सोजन वगैरह आ जाना, थनों के अंदर से चीथड़े आना और थनों में से खून आना, इस प्रकार की कुछ जैसे दूध के साथ साथ खून आना, तो इस प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ओग्यू बीमारी मतलब एक जो लेवटी जिसे हम बोलते हैं, वो अच्छी तरीके से मतलब पूरी सोजन आ जाता है उसके ऊपर और लाल हो जाती है। तो यही इसके पहचानने के लक्षण है। और ये हाइड थनेला जिसे हाइड मैस्टाइटिस बोलते हैं, ये भी उस कुछ बीमारी होती है। इसके कारण हाइड मैस्टाइटिस से फिर मतलब हमें श्योर होने लगता है कि हाँ, ये हमें थनेला बीमारी पशु को हो गई है। तो उसके कुछ घरेलू उपचार में इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्वार पाठा जिसे एलोवेरा बोलते हैं, हमें 250 ग्राम एलोवेरा लेना है और उसको अच्छी तरीके से उसकी जो गिरी होती है उसको निकाल लेना है और उसको एक बर्तन में रख लेना है। हमें 250 ग्राम जो गिरी है उसको एक बर्तन में रख लेना है। और हमें 100 ग्राम हल्दी लेनी है, जो मार्केट में जो गांठ आती है हल्दी की, उसको अच्छी तरीके से पीस कर और उसके अंदर जो हमने जो 250 ग्राम जो एलोवेरा लिया था, जो ग्वार पेठा लिया था, उसके अंदर मिक्सर कर लेना है उसका। और उसके साथ जो हम जो खाने का जो चूना आता है, जिसे हम खेनी के साथ जो आजकल खाते हैं लोग, वो चूना लेना है हमें 10 से 12 ग्राम चूना लेना है और उसको भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिला लेना है। और फिर हमें लेना है 50 ग्राम सरसों का जो मीठा तेल होता है वो लेना है। उन चारों चीजों को जो हमने 50 ग्राम सरसों का जो तेल लिया है, उन चारों चीजों को हमको अच्छी तरीके से मिश्रण कर लेना है। और ये हमें करना क्या है कि दिन में चार बार जहां जहां सोजन आया हुआ है उसके ऊपर लगाना है। उससे लगाने से पहले आपको क्या करना है, नीम के पत्तों को अच्छी तरीके से उबाल कर जो उसका पानी तैयार होता है उससे थनों को अच्छी तरीके से धोना है पहले। ये लगाने से जो पेस्ट लगाने से पहले आपको थनों को अच्छी तरीके से धोना है। अगर आप नीम के पानी से धोते हो तो भी ठीक है, अगर लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट की जो आती है उससे भी आप धो सकते हो थोड़ी मात्रा डालकर, तो आप उसको अच्छी तरीके से आपको थनों को बहुत मतलब शानदार तरीके से धोकर उनको अच्छी तरीके पोंछ लेना है साफ कपड़े से और उसके ऊपर ये पेस्ट लगाना है। थनों के ऊपर जहां जहां सूजन आया है वहां वहां पेस्ट आपको ये लगाना है। ये तो हो गया ऊपर लगाने के लिए, थनों के ऊपर लगाने के लिए, इससे सूजन भी गायब होगा और इसके अंदर जो कीटाणु जीवाणु है, जो बैक्टीरिया अंदर गड़े हुए थनों के अंदर, वो भी इससे क्या होगा फैलने कम हो जाएंगे। दूसरा जो देसी नुस्खा है वो मैं बताने जा रहा हूँ पशु के मुंह में देने के लिए, ताकि उनको खिलाए और मैस्टाइटिस वगैरह जो ओग्यू बीमारी है ये चली जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है, 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है, उसके अंदर हमें 3 या 4 नींबू का रस होता है वो उनको निचोड़कर पशु को दिन में 2 बार दे सकते हैं। सुबह शाम हमें ये देना है, लगभग 5 दिन पशु को लगातार 5 दिन ये क्रिया में दोहरानी है। तो इससे भी बहुत शानदार रिजल्ट हमें पशु के जो ओग्यू बीमारी है, जो थनेला बीमारी है, उसमें देखने को मिलेगा, बहुत शानदार रिजल्ट इसका मिलेगा। और साथ में आप कर सकते हो, जब भी पशु को पानी पिलाओ, पानी पिलाते टाइम आपको जो मीठा सोडा जो घरों में उपलब्ध होता है, हमें जो मीठा सोडा जो खाने में यूज करते हैं, उस मीठे सोडे को आप पानी के जो 1 बाल्टी पानी है उसके अंदर आप 1 चम्मच डाल के पिलाने से भी मैस्टाइटिस जो बीमारी है वो चली जाएगी। क्योंकि जो मीठा सोडा होता है वो थनों के अंदर क्या होता है मतलब जो जमा हुआ दूध होता है तो वो उनको हटाने में काम करेगा, तो उससे भी हमें शानदार रिजल्ट मिलेगा थनेला बीमारी के अंदर। तो आप मीठा सोडा पानी पिलाते समय आप पशु को 1-1 चम्मच पानी की बाल्टी में डाल सकते हो, उससे भी हमें बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैं बात करता हूँ आयुर्वेदिक चीजों के बारे में। आयुर्वेदिक चीज जैसे बहुत अच्छा रिजल्ट है विटामिन्स में, मतलब पशु के अंदर विटामिन्स की कमी होने के कारण भी ये ओग्यू बीमारी होती है, जो थनेला बीमारी होती है। तो इसके लिए हमें जो इम्यूनोलाइफ कंपनी की जो 30M ब्रांड है उसका एक मतलब एक उन्होंने आयुर्वेदिक दवा तैयार की है जिसका नाम है, ये देख सकते हो आप, विटामिनच। ये विटामिनच आप दोगे तो उससे भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, थनों के अंदर जो अडर के अंदर जो सोजन है इसमें भी ये राहत दिलाएगी। और कई बार पशु क्या होता है कि दीवारों के सिर टकराता रहता है, बाल उड़ जाते हैं पशु के शरीर से, उसमें भी बहुत फायदेमंद है, दूध बढ़ाने में भी फायदेमंद है।
और ये शुक्राणुओं की जो संख्या होती है उसमें भी सुधार करती है। इसके साथ साथ ये प्रजनन संख्या जो प्रजनन क्षमता होता है उसको भी बढ़ाती है विटामिन एच, मतलब हर रोग में ये इसका बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से स्कूल के अंदर मतलब अलग अलग विषय के जो टीचर होते हैं वो अलग अलग मतलब विषय सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो उसी तरीके से ये थनों पे काम करती है, मतलब विटामिन एच ये हमेशा ही थनों पे काम करेगी और थनों में जितने किसी भी प्रकार की मतलब दिक्कत होगी तो ये उसे लड़ने में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट, बहुत शानदार रिजल्ट आप अपने पशुओं को दे सकते हो। धन्यवाद।